हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह ने दिया भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रविवार को जोधपुर संभाग के पाली और जोधपुर जिले में एक दिवसीय तूफानी दौरे पर रहे। उन्होंने पाली में दो और जोधपुर शहर में तीन प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ मसूरिया स्थित बाबा रामदेव रामदेव मंदिर में गुरु बालीनाथ की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। शाह ने पाली शहर में करीब 3 घंटे तक 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसके बाद जोधपुर शहर में करीब 5 घंटे के प्रवास पर रहे। इन 5 घंटों में उन्होंने 3 कार्यक्रमों को संबोधित किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मजबूती से डटने का मूल मंत्र भी दिया। शाह का जोधपुर दौरा पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं पर केंद्रित था। इससे पहले आज सुबह शाह दिल्ली से विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। अमित शाह सीधे पाली के लिए प्रस्थान कर गए। पाली में उन्होंने शक्ति केंद्र के सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही संभाग स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और उसके बाद पुनः जोधपुर आए। यहां से रैली के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित शक्ति केंद्र संयोजक और इसके ऊपर के कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ही संभाग स्तर के युवाओं से युवा सम्मेलन में चर्चा भी की, जहां युवा भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखकर प्रसन्न चित भी नजर आए। शक्ति केंद्र सम्मेलन में 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र बनाया गया था। इस सम्मेलन में शक्ति केंद्र संयोजक और इससे वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए ताकि बूथ मजबूत हो सके। यहां सूची के नाम होने पर ही प्रवेश दिया गया। इसमें बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं पर फोकस किया गया। इसमें 10,000 युवाओं से एक साथ अमित शाह मुखातिब हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का वाहन रैली निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तेज ध्वनि वाले डीजे के साथ शाह के आयोजन स्थल तक रैली निकाली गई। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अमित शाह ने भाषण दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली के साथ अमित शाह को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे। वाहन रैली के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी थी। नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती धांधली को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग रविवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अमित शाह का पुतला दहन करने वाले थे। उस वक्त पुलिस ने वाल्मीकि समाज के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाले नरेश कंडारा को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों को कैमरा बंद करके कलेक्ट्रेट के पास ही बिठा दिया। अमित शाह का पुतला पुलिस ने जब्त कर एकांत में भेज दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर भी रोक लगाई जा रही है, इससे लोगों में रोष और बढ़ने लगा है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।